नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, हमें कीर्ति लेकर हाजिर हूं। देश और दुनिया की तमाम खास खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उज्जैन में 80 दिनों बाद आज से फिर से श्रद्धालुओं के लिए खुला महाकाल मंदिर, कोविड नियमों के पालन के साथ दर्शन। ओवैसी का यूपी में 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान, कहा प्रदेश में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। बिहार झारखंड सहित इन राज्यों में आज बारिश की संभावना, दिल्ली में जल्द ही मॉनसून देगा दस्तक। जम्मू कश्मीर आतंकियों की कायराना हरकत, देर रात घर में घुसकर एसपीओ और उनकी पत्नी की हत्या की, बेटी की हालत गंभीर। बिहार में 24 घंटे में मिले 185 नए मामले, कई जिलों में तो एक भी संक्रमित नहीं। इसी के साथ करते हैं शुरुआत उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ, जिनका सीधा सरोकार है आपके साथ। तो जौनपुर के मड़ियाहूं थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों की दबंगई सामने आई है। दबंगों ने पीड़ित पर सरेआम पिस्टल से फायरिंग की। बताया जा रहा है कि दबंगों ने कई राउंड में फायरिंग की। दबंगों की गोली से पीड़ित घायल हो गया। वहीं दबंगों की इस ओर से की गई इस फायरिंग की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने शिकायत के आधार पर फौरन कार्रवाई शुरू कर दी है और आरोपी को पिस्टल के साथ हिरासत में ले लिया गया है। तो जमीनी विवाद था, तो एक हफ्ते पहले भी कुछ हमसे बिजली का पोल लेकर कुछ विवाद हुआ था, जिसमें प्रशासन को संज्ञान में है वो चीज़। जी जी, मैंने तहरीर दिया है, मेरे बड़े भाई उन्होंने दिया है वो। तो हम जा रहे थे बनकर के दुकान, ये जान मारने की ये इन्होंने नियत से मेरे ऊपर फायर किया। कितनी राउंड फायरिंग हुई? सुल्तानपुर में भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष की प्रत्याशी उषा सिंह के पति शिव कुमार सिंह ने पूर्व प्रमुख यशभद्र सिंह के समर्थकों पर फायरिंग करने का आरोप लगाया। आरोप है कि यशभद्र सिंह के समर्थकों ने सरैया बाजार के पास उषा सिंह की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान गाड़ी का शीशा निकल गया। इसी घटना के बाद शिव कुमार सिंह ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं फायरिंग की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि यहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है। आज दिनांक को लगभग 2:45 बजे के आसपास दोस्तपुर रोड पर सरैया मुस्तफा बाजार के पास जिला पंचायत प्रतिनिधि श्री शिव कुमार के ऊपर फायरिंग की सूचना दी गई और फिर वहां पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर जाया गया और जांच की गई। जांच पड़ताल के बाद इनको घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद ये थाने पर आए और मुकदमा लिखा है। मुकदमा थाना का मैनपुरी में गाड़ गई। यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय संरक्षक अमरदीप माथुर पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय संरक्षक ने पीड़िता परिवार को हर संभव मदद देने की बात कही है। दरअसल यहां पर महिला प्रधान के देवर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इलाके के लोगों ने इस गोलीकांड की काफी ज्यादा निंदा भी की थी। इसी मामले में अब बैठक करते हुए राष्ट्रीय संरक्षक अमरदीप माथुर ने प्रशासन से हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। इस दौरान उनके साथ यूथ ब्रिगेड के कई अहम लोग भी मौके पर मौजूद रहे। मैं यहाँ ये कहने आया हूँ, हमारे आनंद भाई हैं, इनको ये भरोसा दिलाने आया हूँ कि पूरा समाज और गाड़गे यूथ ब्रिगेड पूरे राष्ट्रीय स्तर पे आपके साथ खड़ा है। अगर भविष्य में किसी भी तरह की कोई बात होती है तो हम लोग यहाँ से लेके लखनऊ, लखनऊ से लेके दिल्ली तक पूरी तरह से इन लोगों के साथ हैं और ये मैसेज इस जिले के डीएम और एसपी तक पहुंच जाना चाहिए कि जो ये कांड हुआ है उसमें इतनी सख्त कार्रवाई करें कि आगे ना केवल मढ़ापुरा में, पूरे मैनपुरी में इस तरह की वारदात। इस खबर पर हमारे संवाददाता मुनीष मिश्रा जुड़ चुके हैं। मुनीष, मैं आपसे आना चाहती हूं कि गाड़के यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरदीप माथुर पीड़ित परिवार के घर पहुंचे, क्या कुछ आश्वस्त किया है उन्होंने पीड़ितों को? जी, आपको बता दें, पूरा मामला मैनपुरी जनपद के करैल थाना क्षेत्र के मड़ापुर ग्राम का है। तो वहीं पर ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरदीप माथुर उनके घर पर परिजनों
को सांत्वना देने पहुंचे और उन्होंने सभी को ये बताया कि आपको न्याय मिलेगा। शासन को भी उन्होंने ज्ञापन दिया है और सभी को यही समझाया है कि मैं आपके साथ हूं और न्याय मिलेगा। के खिलाफ जो अपराधी हैं उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जा रही है अभी? जी, अभी तक चार लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है, राजेश पांडे, संजीव कुमार दिवाकर और नवीन और प्रियम चौबे। तो टीमें बना दी गई हैं, अधीक्षक जी से बात हुई थी पुलिस अधीक्षक से, तो उन्होंने कहा गिरफ्तारी जल्दी ही होगी और जैसे भी संभव होगा इनको गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तारी के लिए कार्य चल रहा है, टीमें बना दी गई हैं, जल्दी ही इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोविड 19 की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए सरकार एक्टिव हो गई है। तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए कोविड किट्स तैयार की गई है। इसी कड़ी में एरवा कटरा इलाके के सीएससी में राज्यसभा सांसद गीता शाह ने आंगनबाड़ी आशा बहू को कोरोना किट भी बांटी है। उन्होंने बताया कि 5 सदस्यों को मिलाकर एक निगरानी समिति बनाई गई है जो कि हर एक ग्राम पंचायत में किट उपलब्ध कराएगी और इसके साथ साथ सभी लोगों को ये निर्देश भी दिए गए हैं कि अगर कोई बच्चा खांसी जुकाम बुखार से पीड़ित है तो ये किट उनके घर पर अवश्य पहुंचाई जाए। इसके साथ साथ इस मौके पर सीएससी अधीक्षक डॉक्टर मोहित यादव के काम की सराहना भी की गई। इस मौके पर कई लोग मौजूद रहे। बहन जी, आज आप सीएससी अरवा कटरा आई हैं, ये जो कोविड वैक्सीन जो बच्चों के लिए बनाई है इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपको पता है कि ऐसी महामारी तो केवल हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में ऐसी महामारी आई जिससे कि पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हुई और उसमें मैं सबसे खुशी की बात यह है कि पूरी दुनिया का कई देशों को आंकड़ा उठा के देखिए तो अपने हिंदुस्तान में बहुत जल्दी कवर किया है। जैसे सेकंड फेस आया, अपने यहाँ भी थोड़ी दिक्कत आई लेकिन एक सप्ताह में तुरंत कंट्रोल कर लिया गया। और अब की बार मैंने तो ये सोच भी नहीं पाया था कि तीसरी फेस की चर्चा है कि तीसरा फेस भी आएगा और बच्चों के पर ज़्यादा अटैक करेगा। उसके लिए भी देखिए सरकार ने पहले से ही ये किटें भेजी हैं जिसमें 0 से लेके 1 वर्ष के बच्चे उनके लिए हैं। उसमें खाने के लिए जो दवा है उसके साथ में पर्चा भी है कि किस तरीके से हुई। दूसरी किट है 5 वर्ष से लेके 5 वर्ष के लिए, उसमें भी इसी तरीके से। तीसरी है 5 वर्ष से लेके 12 वर्ष के लिए और चौथी जो किट है वो 12 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक और 18 के पहले ही उपलब्ध हो गई। आप देख रहे हैं ऑनलाइन भी हो रहे, सब जगह टीकाकरण हो रहे। उसके पहले 45 वर्ष के ऊपर वालों को टीकाकरण हुआ, सभी लोग जान रहे हैं, आज भी चल रहे हैं, ये सब हो रहा है। और ये किट सबसे अच्छी बात है कि जिस पंचायत में वहाँ का ग्राम प्रधान, वहाँ की आशा बहू और वहाँ के सेक्रेटरी जो पंचायत सेक्रेटरी होते उनको और सदस्य को भी आंगनबाड़ी को 5 लोगों को मिला के एक निगरानी समिति बनाई है और पहले ही से निगरानी समिति को ये किटें उपलब्ध करा दी जाएंगी। आज उसी के निमित्त में हम लोग आए हैं कि उनको उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि गाँव में ये महामारी आने से पहले जैसे गांव में दस्तखत दे उससे पहले ही पूरे प्रबंध चाक चौबंद कर दिया गया है। तो किसी को कुछ होता है तो तुरंत निगरानी समिति के पास जाएगा, वहां से दवाइयां लेगा और वो खाएगा, ठीक होगा। इसी के मैं तो इसके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और अपने उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी जी को बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इस तरीके से उन्होंने कि देश में प्रदेश में रहने वाले किसी भी जात समुदाय के व्यक्तियों को, उनके बच्चों को, क्योंकि बच्चा जो होता है वो घर में सबसे प्यारा होता है और उन बच्चों को कहीं कुछ ना हो, क्योंकि बीच में जो आया था जिस तरीके से क्षति हुई थी, तो इसके लिए पहले ही से जो व्यवस्था की है इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत आभार और उनके ये कार्य के लिए। प्रयागराज के अंतु थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की न्याय की आस में दर दर भटक रहा है। दरअसल इस पीड़ित ने अपनी बेटी की शादी के लिए पड़ोसी से कुछ पैसे उधार लिए और कुछ परेशानी की वजह से वो समय से पैसा नहीं लौटा पाया। पैसे न मिलने की वजह से पड़ोसी उसे और बेटी को परेशान करने लगा। अब पड़ोसी पैसों
के बदले में जबरन जमीन का बैनामा करने की बात कर रहे हैं। जमीन को लेकर पीड़ित ने जब आपत्ति जताई तो पड़ोसी उसे धमकी भी देने पर उतारू हो गए। ₹10,000 लोगों से लिया था तो बोले कि जमीन दोगे तो ब्याज नहीं लूंगा। तो कुछ दिन बीत गया, 2-3 साल, तो बोले कि हमको या तो जमीन दो या तो ₹10 ब्याज के साथ मेरा पैसा वापस करो, नहीं तो मारने पीटने की धमकी हमको दिए। बोले मारूंगा पीटूंगा, पैसा कैसा मेरा नहीं दोगे ले चलूंगा, जबरदस्ती लिखवा लूंगा मार पीट के, गोड़ हाथ तोड़ डालूंगा। ये 16 जून को जब हमको चाय पिला के, और जब हमको किसी भी हमारे बच्चों को नहीं मालूम था, हमको नंबर भी नहीं मालूम था, और 3 दिन तक हमारी किसान भाई ले जाकर अपने घर में रखे थे। 3 दिन के बाद हमको सुबह सुबह चाय पिला दिए। और तो इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ संवाददाता प्रेम जुड़ चुके हैं। प्रेम, मैं आपसे जानना चाहूंगी पीड़ितों की क्या तकलीफ है। प्रेम, आपको आवाज आ रही है? आगरा में थाना हरी पर्वत पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस के हाथ कामयाबी लगी है। पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गोली से बदमाश घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बदमाश पर लूट, हत्या और डकैती सहित कई मामलों में 30 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। हरी पर्वत क्षेत्र में कुछ दिनों पहले फ्रीगंज एरिया में एक मर्डर की वारदात सामने आई थी। तिरंगा अपार्टमेंट में एक वृद्ध पुरुष की हत्या जो है वहाँ पे नकारित की गई थी। 6-7 लोगों को उसमें ऑलरेडी जेल ने भेजा गया था। एक अभियुक्त उसमें वांछित था, विजय करुआ उसका नाम है, 50,000 का अपराधी है। आईजी साहब महोदय द्वारा उस पर इनाम भी घोषित किया गया था। आज मुखबिर द्वारा प्राप्त एक सूचना के अनुसार हरी पर्वत क्षेत्र में वो किसी घटना को अंजाम देने के लिए जाने वाला था, इसीलिए घेराबंदी नाकाबंदी जो है वो कर दी गई थी। एक बाइक पे आते हुए नज़र आया, उसको रोकने की कोशिश की, उसने फायरिंग शुरू की थी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा फायरिंग करते हुए उसके पैर में गोली लगी। प्राथमिक शाहजहांपुर में नदी में नहाने गए 2 युवकों की मौत हो गई। बता दें कि थाना सिधौली क्षेत्र में गांव के 2 मौसेरे भाई वीरेश और विशाल खनौत नदी में नहाने गए थे, जहां नहाने के दौरान अचानक वीरेश का पैर गहराई में चला गया और वो डूबने लगा। ये देख विशाल ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो भी पानी की गहराई में समा गया। जब तक लोग कुछ कर पाते तब तक दोनों लड़के पानी में डूब गए। आनन फानन में आसपास के लोगों ने दोनों को पानी से बाहर निकाला। वहीं सूचना पाकर परिजन मौके पर पहुंचे। दोनों युवकों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों उन्हें मृत घोषित कर दिया। रायबरेली में अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। इसके बाद लोगों ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। घायल की गंभीर हालत को देखते हुए उसे लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया है। सिद्दीक नाम का 40 वर्षीय एक व्यक्ति है, जिसका दोनों पैर इंजर्ड है और घुटने के नीचे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर के डिस्ट्रिक्ट रायबरेली में लखनऊ इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 कारों में जोरदार टक्कर हुई। इस जोरदार टक्कर में एक कार नहर में जा गिर गई, जिसके बाद ग्रामीण की मदद से कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। कहा जा रहा है कि कार सवार लोगों को मामूली चोटें आई हैं। ये घटना थाना बछरावा क्षेत्र के चुरुआ मंदिर के पास की है। रायबरेली में शातिर अपराधियों के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार करते हुए सफलता हासिल की। पुलिस ने बताया कि 2 शातिरों को काफी लंबा आपराधिक इतिहास है इनका। फिलहाल पकड़े गए चोरों के पास से तमंचा कारतूस भी बरामद किया गया है, साथ ही 4 किलो चांदी के जेवरात भी बरामद हुए हैं। जेवरात बरामद हुए। जब पूछताछ की गई तो ये पता चला इन्होंने, इनका नाम लौकुश काशी और ओम नारायण मुखर्जी, जो मलेरिया क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। और पूछताछ पे इन्होंने मलेरिया में अप्रैल और मई में होने वाली 2 बड़ी चोरियों का खुलासा किया। इनके पास उसी दौरान बरामदगी में काफ़ी सारा
सामान ही मिला जो बाद में जांच में दूसरी चोरियों से कनेक्ट हुआ। जो कुल सामान इनके पास बरामद हुआ उसमें करीब 4 किलो चांदी के जेवरात हैं और करीब 1 तोला सोना। शाहजहांपुर में बंडा थाना क्षेत्र में 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर हो गई। दोनों गाड़ियों की इस टक्कर में 17 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए राहगीरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। जानकारी मिल रही है कि घटना की वजह से कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। कैसे चोट लगी है आपको? कहाँ जा रहे थे? टेम्पो पे घर जा रहे थे। कहाँ से जा रहे हैं आप? घर वापसी आ रहे थे। क्या करने गए थे वापसी? टेम्पो पे बैठकर। उत्तर प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपका ही मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।